स्वागत है आपका टेक्निकल उमेश राठौर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि हाइब्रिड एक्साइट का जो यूपीएस इन्वर्टर है ये सोलर वाला, तो इसमें दोस्तों शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कभी कभी रेड लाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम आ जाती है। जो इसका डिस्प्ले है तो इसमें रेड लाइट जलने लगती है, चार्ज भी नहीं होता है और होता है। तो दोस्तों रेड लाइट जो शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें ऐसा सिस्टम कंपनी ने रखा है ताकि इसको कोई क्षति ना पहुंचे इन्वर्टर को। तो बहुत से व्यूवर्स हैं, यूट्यूब में भी आप देख रहे होंगे, तो इससे रिलेटेड रेड लाइट से रिलेटेड मुझे तो कोई वीडियो नहीं मिला है। तो अभी मेरे पास इसका है तो मैं आज आप इसको बताऊंगा कि अगर रेड लाइट की प्रॉब्लम है, शॉर्ट सर्किटिंग बार बार आ रहा है डिस्प्ले में लिख के और कोई लोड नहीं उठा पा रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है, इसको कैसे सही करते हैं। ठीक है, तो अभी गारंटी में जिनका हो या फिर जैसे मेरा था गारंटी में, तो मैंने कंपनी के यहाँ से फ़ोन किया, कंपनी वालों ने अपने इंजीनियर भेजा है तो इंजीनियर आए हैं। क्या प्रॉब्लम होती है अगर शॉर्ट सर्किटिंग प्रॉब्लम हो जाने से डिस्प्ले में रेड लाइट आ रही है, लाल रंग की लाइट डिस्प्ले में जल रही है, तो उसको कैसे सही करें। फैन भी नहीं चल रहा है और करंट भी कभी कभी आ जा रहा है। तो अगर ऐसा फॉल्ट है, अगर आपके पास एक्साइट का हाइब्रिड 1100 वाट का ये इन्वर्टर है और सोलर इन्वर्टर, तो इसमें अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। शायद ही इस तरह का एक्साइट के इन्वर्टर में आपको वीडियो देखने को पहले मिले। तो अगर आपके पास भी इस तरह का इन्वर्टर है और उसमें यही रेड लाइट प्रॉब्लम है, रेड लाइट शॉर्टिंग प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, कैसे सही करेंगे, मैं पूरी लाइव आपको दिखा के इसको बताऊंगा कि कैसे आपको बनाया जाता है इसको, ये प्रॉब्लम क्या ख़राब होने से उत्पन्न होती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये हमारे इंजीनियर साहब आ गए हैं, हमारा इन्वर्टर ख़राब था, रेड लाइट जल रहा था, तो अब ये देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने खोला है, लाइट कुछ लाइट चलाने वाला क्या चलाने। दोस्तों देखिए इंजीनियर साहब आए और ये थोड़ा सा खोल के उन्होंने सही किया तो हमारा इन्वर्टर सही हो गया। अगर जिन लोगों के पास इस तरह का इन्वर्टर हो और इस तरह की प्रॉब्लम, ये शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम बता रहे थे, शॉर्ट की वजह से जो रिले होती है यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ वाइट कलर की रिले लगी रहती है, ये नीचे ये जो रखे हैं, हाँ ये रिले थोड़ा बता रहे थे ढीला या चपक जाना, वोल्टेज कम ज़्यादा होने पर ये चपक जाता है, चपक नहीं है ये, तो इसकी वजह से इन्होंने अब खोला उसको थोड़ा दबा दिया, प्रेस किया उसी रिले को, तो देखिए बराबर ये चलने लगा, नहीं तो ये चल नहीं रहा था, रेड लाइट आ रहा था डिस्प्ले में, शॉर्ट सर्किटिंग के आ रहा था। अगर इस तरह की कोई आपकी प्रॉब्लम हो इस इन्वर्टर के साथ तो आप अगर वारंटी में है तो मत खोलिएगा, अगर वारंटी में नहीं है तो आप वहाँ से कॉल करके उनकी कंपनी की तरफ से देखे, एक्साइट इंडस्ट्रियल लिमिटेड, हाँ ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने बताया है कि इन्होंने ये बढ़िया इन्वर्टर होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है और ये देख के बराबर करंट भी बताने लगा, वोल्ट भी, बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल अगर पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ ताकि किसी दूसरे लोगों को बेनिफिट हो सके।